होगा, साथ साथ पढ़ते रहो। वो फर्स्ट एक्सपेक्टेड था स्टूडेंट्स, बाकी सारे ऑनलाइन। हाँ जी ऑनलाइन वालों, आए क्यों नहीं हो यूनिवर्सिटी? ये वो लोग हैं जिनका पढ़ने का भी दिल नहीं करता, सोए रहते हैं। आपका नाम हाँ जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम आ रही है। मैम उन्होंने कहा कि आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आए फिर क्लासेस ले सकते हैं, पहले वो सबमिट करें। आप लोगों को वेट डोज भी नहीं लगी अब तक? मैम एक डोज लगी है, सेकंड पर कल लगेगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो फर्स्ट डोज वाले हैं वो आ सकते हैं, दो दिन को लगी वो आ जाए। ठीक है मैम, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हमें तो ये मेल आई थी कि जिसको दोनों डोजेज लगी हैं वो आए कल, दो तीन मेल जाएंगे। आप लोगों की तो फिर फर्स्ट डोज एक महीना पहले से लगी होगी ना? जी मैम ईद से पहले लगी थी। ठीक है, बाकियों का भी यही प्रॉब्लम है मैम? कुछ का है, कुछ ने तो अभी लगवाई है पहली। जिनकी फर्स्ट डोज लग गई है वो तो आए कंपलसरी यूनिवर्सिटी में। मैं अलाउ कर रही हूँ सबको, तो जब फिर आप क्लास लें एक एक डोज वाले तो लें क्लास। ठीक है मैम। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे अभी क्लास में भी आए हैं, तो आवाज इधर उधर गई क्योंकि मैं बोर्ड पे भी कभी जाऊंगी कभी इधर जाऊंगी एक्सप्लेन करने के लिए, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन भी साथ है और ये भी ऑन कैंपस में भी हैं बच्चे।
मैम ऑन कैंपस में कितने बच्चे आए हुए हैं? अभी तो चार ही हैं फिलहाल, क्लास में तो अभी चार ही आए हैं, लेकिन अभी देखो क्योंकि एक तो सुबह सुबह का लेक्चर जो होता है ना उसको तो कम ही बच्चे आते हैं, लेट आते हैं। दूसरा ये वही कंफ्यूजन थी सब में के फर्स्ट डोज है हमारे, अभी सेकंड नहीं है तो हम आए ना आए, अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोशिश करो कि फर्स्ट डोज जिनकी है वो अपना वो कार्ड मिलता है ना एक्सपो वाले तो कार्ड देते हैं, तो वो कार्ड लेके आप लोग आओ। ठीक है स्टार्ट करें लेक्चर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम पे है, फ्लोरोस्कोपी। हम लोगों ने प्रोसीजर पहले स्टार्ट किए हैं कुछ, उसमें एक हमारा और रह जाएगा बिलबरी सिस्टम का। इसके अलावा हम लोगों ने फ्लोरोस्कोपी के तकरीबन सारे प्रोसीजर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स कौन से इमेजेस कौन होते हैं? डायनामिक इमेजेस होते हैं। हम लोगों ने थ्रू फ्लोरोस्कोपी जो इक्विपमेंट है, आपको मैंने इक्विपमेंट पढ़ाया था कि कैसे हम लोगों के ऊपर वो डिजाइन होता है, एक्स्ट्रा ट्यूब होती है, एक्स्ट्रा ट्यूब होती है टेबल के नीचे, कैसे पेशेंट जो है वो बाकी टेबल के ऊपर लाई करता है। ठीक है वो मशीन तो आप लोगों ने सारी पहले पढ़ ली हुई है। ठीक है इसके अंदर भी सेम उसी तरह हम लोग डाई इंजेक्ट करेंगे, बट इसके अंदर हम कौन से सिस्टम को हाईलाइट कर रहे हैं? हम यूरिनरी सिस्टम को हाईलाइट कर रहे हैं। अब यूरिनरी सिस्टम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्या इंडिकेशन है कि हम लोग सिर्फ फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर ही कर रहे हैं? आते जाओ बैठते जाओ, नेम बताओ अपने। अहमद आपका? जीशान बैठ जाओ। और तो नहीं आना कोई है? आ रहे हैं। चलो मैं 5 मिनट वेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। ठीक है आप लोगों को डोज लगती है? यस दोनों लग रही है। यहाँ एक्सपो से लगवाया? नहीं से। अच्छा वहां से सही है। मैम तो ये समझ नहीं आता जी। मैम मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैंने उनको मेल की थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना ऑनलाइन क्लासेस अभी ले सकते हैं। मैम मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो मैंने उनको मेल की थी सर को ना, तो माहा बात कर रही हूँ। निशा। अच्छा निशा, निशा आप कहाँ पे होती हो? मैम मैं दुबई में हूँ तो उन्होंने बोला था कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं। ठीक है जो आउट ऑफ कंट्री है वो तो मैंने उनको कहा था, माहा का भी यही प्रॉब्लम था, माहा कनाडा में थी तो वो कही थी मैं नहीं आ सकती, तो ऑब्वियसली जो नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन ही क्लासेस लेंगे, हाइब्रिड ही होगा। साथ में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलनी होंगी, जो ऑनलाइन सुन रहा है वो ऑनलाइन सुनता रहे, बाकी कोशिश करो कि आप ऑन कैंपस क्लासेस दे सको, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने आप लोगों का प्रैक्टिकल भी अब स्टार्ट करवाना है। ठीक है तो कोशिश करो कि आ सको, और आ जाओगी आप मैम जून के लास्ट वीक में? ठीक है कोशिश करो आ जाओ, जिनका प्रॉब्लम है वो तो ऑनलाइन लें, बाकी जिनका नहीं है वो तो आए ऑन कैंपस। ठीक है जी मैम। आए आप स्टूडेंट्स? जी मैम। बस एक ही है? अच्छा मैम जोनिश भी है, जोनिश क्या हुआ सर? मैम वो भी आउट ऑफ कंट्री होती इसी क्लास में। ठीक है मैंने बताया ना जो जो आउट ऑफ कंट्री है वो तो ऑनलाइन ले लें क्लास, लेकिन कोशिश करो अगर आ सकते हो तो एज सून एज पॉसिबल, जिस तरह भी आपकी फ्लाइट मिलती है जो भी आने का बनता है तो आप लोग वापस आओ। ठीक है अब वापस सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है तो क्या पता आपके एग्जाम्स जो हैं फिर उसी तरह फाइनल जो हैं ऑन कैंपस ही देंगे। ठीक है yes, ma'am, yes. अच्छा अच्छा यूरिनरी सिस्टम मैंने बताया अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है, इसकी क्या इंडिकेशंस है कि हम फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर कर रहे हैं, व्हाई नॉट अल्ट्रासाउंड, व्हाई नॉट अदर मोडालिटी? ठीक है अब फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स क्या करता है, बेसिकली हम लोगों के होलो स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करता है बाय गिविंग कॉन्ट्रास्ट। हम उनको कॉन्ट्रास्ट देते हैं पेशेंट को, कुछ इंजेक्ट करते हैं, कुछ हम पिलाते हैं किसी के अंदर। ठीक है वो बेरियम के हम लोगों ने जीआई ट्रैक पूरा पढ़ा था जिसके अंदर हम पेशेंट को जो है वो स्वॉलो करवाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हम लोग उसको घोलते हैं। ठीक है वो पिला के वो पाउडर फॉर्म होता है उसको पानी के अंदर घोल के पिलाते हैं, वो अपर जीआई ट्रैक को देखने के लिए हम फिर उसको फॉर द टाइम बीइंग पहले हम लोग उसको पिलाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसके इमेजेस ले रहे होते हैं, कुछ हमने उसी वक्त लेने होते हैं, कुछ 5 मिनट्स के बाद लेने होते हैं, कुछ 20 मिनट्स के बाद लेने होते हैं। उसका यही मकसद होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक ट्रैवल करेगा, और फिर जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी यहाँ परफोरेशन होगी वो हमें वहां से कॉन्ट्रास्ट मूव करता हुआ लीक करता हुआ। ठीक है उसके अलावा जहाँ पे डायलेटेशन होगी वो जो स्ट्रक्चर होगा वो डायलेट हुआ हमें नजर आएगा।
ठीक है, बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करता है जो स्ट्रक्चर हमें एक्सरेज पे नजर नहीं आते. ये एक्सरेज ही है ना, एक्सरेज का जिस तरह हम लोग को इमेजेस स्टैटिक इमेजिंग नजर आती है, एक्सरेज के अंदर हमें बोन्स नजर आती हैं, हमें सॉफ्ट टिश्यूज नजर नहीं आते हैं. हमने वो स्ट्रक्चर्स जो कि हॉलो है जिसके अंदर हम कुछ डाल के उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी लाइनिंग देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, जीआई ट्रैक सारा पढ़ लिया आप, जीआई के लिए कौन सा करते हैं, बेरियम स्वालो, फिर हम लोग स्टमक के लिए बेरियम मील करते हैं. ठीक है, उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बेरियम फॉलो थ्रू. ठीक है, वो नेम से ही बता रहे हैं आपको, बेरियम स्वालो हैविंग डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, तो वो एसोफिगस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, स्वालो मतलब उसको प्रॉब्लम है. फिर बेरियम मील है, मील जो है हमारे स्टमक में जा रहा है. ठीक है, तो स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो बेरियम मील हम उसको कहेंगे, बेरियम जो भी हम उसको पिला रहे हैं और वो उसकी लाइनिंग को, और उसके अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे थे जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बताया था कि उसकी लाइनिंग को देखते हैं हम लोग स्टमक के अंदर. उसके अंदर हम बेरियम के साथ एक और चीज भी, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम डबल कॉन्ट्रास्ट मैथड कहते हैं. ठीक है, हम डबल कॉन्ट्रास्ट में जो है ना मैथड, वो बेरियम मील के अंदर यूज करेंगे, बिकॉज हमने वहां पर गैस प्रोड्यूस करनी है. वो किस लिए करते हैं, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो हमारे पास आउटलाइन हो जाए, और स्टमक की जिस तरह की लाइनिंग होगी प्रॉपर, हम लोगों को स्टमक की ना लाइनिंग पढ़नी होती है उसके अंदर. ठीक है, उसके अंदर उसकी वॉल किस तरह की हो गई है. ठीक है, अगर कोई अल्सरेशन है तो वो हमें नजर आया उसके अंदर प्रॉपर. ठीक, तो उसके लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते हैं. और डबल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अलॉन्ग विद बेरियम हम गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट जो है वो देते हैं. तो कौन सा है जो यूज करते हैं, इनो. ठीक है, पहले इनो यूज करते थे, अब जो है डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट कंपनीज वाले ऑफर करते हैं कि ये आप गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो. तो पहले क्या होता था कि इनो जो होती थी वो हम लोग पेशेंट को उसके साथ जो है वो पिला देते होते थे, तो वो उस तरह होता था. अच्छा, फिर उसके बाद क्या मील हो गया, फिर बेरियम फॉलो थ्रू. फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू से बता रहा है कि हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरी फॉलो थ्रू जो है, जितनी भी लंबी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम लोगों ने, अब लंबी है उसका टाइम भी उतना ही होगा. ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमने इमेजेस लेने हैं, डेट मीन्स कि बेरियम जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आगे आगे ट्रेवल करता जाएगा, उसके साथ साथ हमने इमेजेस लेते रहने. थोड़ा टाइम के लिए हम उसको वो करते हैं डायनामिक इमेजिंग, हमें पता है कि लाइव इमेजिंग हो रही है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली उसे देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है. पता है ना आपको कि आप बहुत ज्यादा रेडिएशन दे रहे हो पेशेंट को, आयनाइजिंग रेडिएशन है. हम थोड़े टाइम के लिए उसको डायनामिक देखते हैं, देन स्टॉप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है कुछ टाइम के बाद उसको देखते हैं. ठीक, इसी तरह फिर उसके बाद यहाँ तक बेरियम फॉलो थ्रू तक जो है वो पेशेंट को पिलाया जाता था. फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए थ्रू रेक्टम जो है इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट को, और वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, सिग्मोइड, कॉलम जो है उसको सारा हाईलाइट करता है. उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोग उसके अंदर बेरियम एनेमा में देखते हैं. ठीक है, एनेमा जो है वो थ्रू रेक्टम इंजेक्ट किया जाता है, बाकी के अंदर जो है ऑरली हम पेशेंट को. फिर हमने दूसरा यूरिनरी सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने गायनी के स्ट्रक्चर्स को क्या, मेनली हम लोगों का अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी यूट्रस नजर आ जाता है, ओवरीज नजर आती है. क्या चीज है जो अल्ट्रासाउंड पर नजर नहीं आती, दैट इज फिलोपियन ट्यूब. ठीक है, वो बिल्कुल थ्रेड लाइक होती हैं, और ज्यादा पैथोलॉजीज, इनफर्टिलिटी वगैरह जितनी भी चांसेज होते हैं ना, वो हमारे इस फिलोपियन ट्यूब की ही पैथोलॉजीज होती हैं उनकी, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड पर नजर नहीं आते, बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है उसको. अब ये भी हॉलो ट्यूब है, जितनी भी हॉलो ट्यूब्स है हमने उनको हाईलाइट करना है ना, तो उसके लिए क्या है, फिर हम लोग इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट, और वो थ्रू यूट्रस जो है वो उस फिलोपियन ट्यूब को हाईलाइट करेगा. और हमने क्या देखना है, हमने नॉर्मल देखना है, क्योंकि उसमें स्पिलेज देखना है, डैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रास्ट है दोनों ट्यूब्स में जाके हमें बाहर निकलता हुआ फील हो, डैट इज नॉर्मल, कोई ब्लॉकेज नहीं है. अगर उसमें से कॉन्ट्रास्ट बाहर नहीं आ रहा, डैट मीन्स उसकी ट्यूब्स दोनों ब्लॉक है. समटाइम्स एक ब्लॉक होती है, समटाइम्स दोनों ब्लॉक हो जाती है, डिपेंड्स. ठीक है, समटाइम्स दोनों ही नॉर्मल होती हैं, पेशेंट को कोई और पैथोलॉजी हो सकती है, कोई और कॉज हो सकता है उसकी इनफर्टिलिटी का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनफर्टिलिटी जो है ना वो ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब ज्यादातर होती है. तो ये टेस्ट फिर उसको कहते हैं हिस्टेरोसर्फिंगियोग्राफी करवा के आओ. एक्सरे इमेजिंग है विद कॉन्ट्रास्ट. अब यूरिनरी सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्यों नहीं करते, हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर देख सकते हैं ना, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें किडनी नजर आती है प्रॉपर. ठीक, उसके बाद हमारे पास पेल्विक सिस्टम है सारा, जो कैलसेस हैं, कैलसेस से पेल्विस में आया, फिर यूरेटर में आया, आगे फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है, ये हमारा पूरा यूरिनरी ट्रैक है इस तरह. तो हमें अल्ट्रासाउंड भी तो कर सकते हैं ना इसके लिए, स्टोन्स नजर आते हैं. ठीक, लेकिन समटाइम्स हमें डायनेमिक इमेजिंग चाहिए होती है. डायनेमिक मीन्स कि हम लोगों ने उसका फंक्शन देखना होता है. हम ड्यूरिंग स्कैन तो उसको कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मैच्योरेशन उसको प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, बच्चों के अंदर खासतौर पे जो एमसीयू
एमसीयूजी जिसे कहते हैं, मैच्युरेशन सिस्टोग्राफी जिसके अंदर होता है, वो ड्यूरिंग छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा इन फ्रीक्वेंसी उनमें बहुत ज्यादा होती है कि पेशेंट बच्चे जो होते हैं ना वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके अंदर रिफ्लक्स हो जाता है, रिफ्लक्स की वजह से जो ये प्रॉब्लम आती है, उस रिफ्लक्स को देखने के लिए फिर हम लोग जो है ना उसको इसी तरह कॉन्ट्रास्ट देते हैं ब्लैडर के अंदर, फिर उसको मैच्युरेशन करवाते हैं, ड्यूरिंग स्कैन भी उसको कहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि वो यूरिन पास करे तो हम जो है ड्यूरिंग स्कैन जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग मैच्युरेशन हमने लिक्विड इन वो ब्लैडर में डाला है ना, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रास्ट क्या लिक्विड ही है ना, फिर उसको कहते हैं मैच्युरेशन, जब वो करेगा तो वो एज अ यूरिन जो है वो हमें नजर आएगा, और हमें नजर आएगा कहीं ब्लॉकेज है यूरिथ्रा में या रिफ्लक्स है तो वो हमें प्रॉपर इसके अंदर नजर आएगा, अदरवाइज हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर या उसके ऊपर हम लोग इस तरह इसको नहीं देख सकते डायनामिक चेंजिंग को, ठीक है। नहीं नहीं अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम फेलोपियन ट्यूब्स को देख ही नहीं सकते है ना, मैंने नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग एक वो है सॉफ्टवेयर है अल्ट्रासाउंड के अंदर, जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग का एक बटन होता है जिसको हम ऑन करेंगे तो हमें वो चीज हाईलाइट, बट ट्यूब के अंदर तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा ना, तो वो हमें उस तरह नजर नहीं आएगा जिस तरह हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब शुरू करते हैं इसके अंदर, अब ये देखो ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें किडनी नजर आ रही है, आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड पढ़ा ही है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर किडनी इस तरह नजर आती है, ये वाइट सारा क्या है, ये कैलिसेस हैं, ठीक है, वाइट जो हाइपर एक्यूएट नजर आ रहे हैं, ठीक, ये हमारे पास मेडुला है, ये और नॉर्मल हमारे पास किडनी इस तरह एलोंगेटेड सी नजर आती है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, और साथ में हमारे पास क्या है लिवर ये पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल किडनी है। ये किस चीज के इमेजेस हैं, सिटी स्कैन के हैं, कौन सा स्लाइस है, एक्सियल स्लाइसेस है, मुझे बताएगा कोई इसकी एनाटॉमी को रीड कर सकता है, किस तरह ये चीजें पड़ी हैं, रीड करनी आ गई बताओगे समझा, वेरी गुड, ठीक है समझ आ गई, और बाकी ये क्या, अच्छा ये जो ब्लैक है स्टमक नहीं है, इस तरह नहीं है, इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर क्या ब्लैक है, गैस, गैस, ठीक है, गैस हमें इस तरह नजर आ रही है, और ये आप देख रहे हो इसकी बॉल किस तरह है, तो फील हो रहा है कि ये बॉल है, दिस इज द इमेज। अच्छा पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर जो है छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है किडनी, जो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो बहुत क्लियर नजर आ सकती है, लेकिन हम लोग उनको इस तरह एक्सरे के ऊपर नहीं हम देख पा रहे, ठीक है, पॉलीसिस्टिक है, मोर देन वन सिस्ट हमें किडनी में नजर आएंगी, लेकिन देख रहे हो कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, अगर यही चीज हम अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें छोटी छोटी एनेक्विक सिस्ट कितनी क्लियरली नजर आ जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह सम डिजीज हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास पेशेंट आता है ना, तो यू शुड नो कि आपने उसको इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवानी है, समटाइम्स तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो आएगा आपके पास स्कैन करवाने के पास कि ये वाला स्कैन करवाना है ये करवाना, लेकिन आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि अगर उसके पास नहीं है तो आप गलत किसी ने इन्वेस्टिगेशन लिख दिया तो आप उसको लिख दो कि आप पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, पहले वो वाली इन्वेस्टिगेशन करवा के आओ जो कि एक सेफ हो, और उसके ऊपर ही अगर चांसेस हैं आपकी जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो उसके ऊपर ही डायग्नोज हो जाएगी तो व्हाई यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस मोडालिटी, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, हार्म है, टाइम ज्यादा लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट के अपने एक हार्म एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जब तक वो बॉडी में रहेगा आपकी बॉडी को हार्म देता रहेगा तो हम एज सून एज पॉसिबल उसको एक्सक्रीट करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी पॉलीसिस्टिक किडनी है, इसके अंदर एनेक्विक से हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो सिस्टिक स्ट्रक्चर है वो नजर आते हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है। यूरोलिथियसिस का क्या मतलब हुआ, लिथियसिस स्टोन्स, ठीक है, जहां पे लिथियसिस आ रहा है दैट मींस स्टोन, ये नीचे क्यों आ गया इसके ऊपर, ठीक है, यूरोलिथियसिस दैट मींस आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पे भी जो है यूरो मतलब कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक के अंदर स्टोन जो है वो स्टक हो सकता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी और जो स्ट्रक्चर है हमारा वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सिमल जो है हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आपको डायलेटेशन फील हो रही है, ये व्हाइट कलर का यहाँ पे एक स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का नजर आ रहा है,
ठीक है, दिस इज स्टोन. अब इसको आगे वन बाय वन जब पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको कुछ और इमेजेस क्लियर दिखाती हूँ. दिस इज आवर टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन यूरोग्राफी या IVU भी इसे कहते हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन यूरोग्राफी जिस हमारा प्रोसीजर है वो किस लिए होता है? ये हमारा यूरिनरी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए होगा. इसके अंदर हम एक्सक्रीशन ये देखते हैं पेशेंट की, कोई इंडिकेशंस जो पे उसको प्रॉब्लम है, मेच्यूरेशन में प्रॉब्लम है या फिर उसकी रिफ्लक्स है, ये सारी इंडिकेशंस किसकी हैं? एक्सक्रीशन यूरोग्राफी, जिसको IVU भी कहते हैं. इंडिकेशन क्या है? सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक पैथोलॉजी, कोई भी पैथोलॉजी, क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक की हो सकती है, यूरेटर की हो सकती है, ब्लैडर की हो सकती है, यूरेथ्रा की हो सकती है. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? एक तो ये क्या, जो पेशेंट के अंदर जो है कुछ जो है वो एलर्जिक होते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडियम से, ठीक है, वो उनको हम लोगों ने टेस्ट रूल आउट करना है कि वो जो है वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट जो मीडियम है वो यूज जो है ना करें. ठीक है, उसमें क्या होगा, पेशेंट एलर्जिक होता है उससे, उसको एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, उसको रैश हो सकती है, उसको फौरन जब भी हमने कॉन्ट्रास्ट दिया उसकी पूरी बॉडी पर खारिश शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हम लोगों को वो पेशेंट जो कि क्या है एलर्जिक है कॉन्ट्रास्ट एजेंट से, उनको हम लोगों ने नहीं करना. दूसरा, डिहाइड्रेशन इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फॉलोइंग सिचुएशन, रीनल फेलियर, माइलोमा एंड इन्फेंट्स. पहले इसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी हम लोग ये प्रोसीजर नहीं करेंगे. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम, हाई और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम या लो और स्मॉलर, फॉलोइंग हाई रिस्क ग्रुप शुड रिसीव क्या, लो और स्मॉलर, बिकॉज वो पहले ही हाई रिस्क में है तो उनको कोशिश करनी है कि हम लोगों ने लो और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम देना है. ठीक, इन्फेंट्स या स्मॉल चिल्ड्रन एंड एल्डरली, रीनर और कार्डियक फेलियर, ठीक, पुअरली हाइड्रेटेड पेशेंट, पेशेंट विद डायबिटीज, ये सारे जो हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, इनके अंदर कोशिश करनी है. पुअर हाइड्रेटेड पेशेंट या रीनर फेलियर के अंदर या पेशेंट विद डायबिटीज हम कोशिश करें ये वाला प्रोसीजर ना करें, हम कोई और इन्वेस्टिगेशन करवा लें उसको रूल आउट करने के लिए कि उसको ये वाली पैथोलॉजी है. ठीक है, अच्छा डोज कितनी रहती है अडल्ट के अंदर? जी मैम, डिहाइड्रेशन वाला पॉइंट क्लियर करवा दें. डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, पहले ही आपको पता है उसके अंदर पानी कितनी सारा कमी हुई है, हम लोगों ने उसको कॉन्ट्रास्ट देना है. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो हाइड्रेटेड पेशेंट हो तभी हम लोग उसको कॉन्ट्रास्ट, पहले ही वो बेचारे के अंदर इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन है. ठीक है, वो उसके अंदर जो है ना एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम डिहाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर जो है वो कॉन्ट्रास्ट मीडियम या ये वाला प्रोसीजर जो है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं वो नहीं देंगे. ठीक है, अच्छा डोज हम कितनी रखेंगे? अडल्ट के अंदर जो है 50 ml होगा और पीड्स के अंदर जो है 1 ml पर बॉडी वेट. ठीक है, इसका 1 kg अगर बॉडी वेट है तो 1 ml, 2 kg 2 ml, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट. ठीक है, हम उसकी जो डोज है वो पीड्स के अंदर जो है वो इस तरह में, अडल्ट के अंदर 50 ml जो है वो हम कॉन्ट्रास्ट देंगे. अच्छा, पेशेंट प्रिपरेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है और क्यों? इसके अंदर डिहाइड्रेशन नेसेसरी नहीं है कि हम अभी तो बात की है कि हमें जो है वो पेशेंट जो है एक तो पहली बात के वो हाइड्रेटेड हो, पानी उसने अच्छे से पिया हो. ठीक है, और उसको डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो. फिर हम लोग NPO नथिंग पर ऑरल फॉर 5 hours. ठीक है, इसके क्या है, फास्टिंग उसको रिक्वायर्ड है कि क्यों, ये फास्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है? एक्सरेज करने हैं हमने एब्डोमिन बॉवल गैस के लिए. ठीक है, तो NPO एक दूसरा, और हमें कोई भी इसके अंदर पार्टिकल्स भी नजर आ सकते हैं, फूड पार्टिकल्स भी, तो उसके लिए भी हमें उसकी फास्टिंग करवाते हैं एटलीस्ट 5 hours की. ठीक है, ये प्रोसीजर जब भी करवाते हैं ना तो कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट को कहा जाए कि रात का खाने के बाद आपने कुछ नहीं खाना और सुबह बगैर नाश्ता किया आना है. ठीक है, आसानी ये है क्योंकि पेशेंट को समझाना ना कि 5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना और ये वो इस तरह, वो पेशेंट जो है ना समझ जो है ना उसको कमी आती होती है. उसके कहो कि बस रात का खाना खाना है आपने, सुबह जो है नाश्ता नहीं करना, आपने नहा मुँह आना है और अपना टेस्ट करवाना है. तो पूरी रात का जो होगा ना, एक तो उसको गैस का प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगा और दूसरा ये कि फास्टिंग होगी तो हमें प्रॉपर टेस्ट जो है उसका करवा सकेंगे. डिहाइड्रेशन नॉट नेसेसरी. अच्छा, रूटीन बाउल प्रेपरेशन, वही हम लोग उसको अगर है उसने खाना खाया हुआ है या फिर हम उसको कहें कि उसको गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है तो उसमें हम उसको कौन सी मेडिसिन देंगे ताकि उसका जो बाउल है वो साफ हो सके और वो जो है उसको हम लोग मिथाइल प्रील प्रेगनेंसी सोलोन जो भी मेडिसिन है ये वाली दे के उसको जो है 6 tablets होती हैं छोटी छोटी सी. ठीक है, ये उसको देते होते हैं हम लोग, उसको कहते हैं 6 की 6 सारी खा के आनी है और सुबह जो है ना पेट साफ करके आनी. ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है फिर हम इंजेक्शन उसको, इसके अंदर क्या होगा, हमने यूरोग्राफी के अंदर पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट करना है उसकी वेन के अंदर.
कौन सी वे ने आगे हम लोग इसके पढ़ लेते हैं कि प्रिपरेशन के अंदर जब हम पेशेंट को करेंगे. अच्छा व्हाट आर प्रीलिमिनरी फिल्म्स, मैंने आपको बताया था व्हाट आर प्रीलिमिनरी फिल्म्स, कॉन्ट्रास्ट से पहले जो हम लोग एक दफा स्कैन लेते हैं ना प्लेन, वो होता है. ठीक है ठीक है. उसमें क्या होता है कि हम कॉन्ट्रास्ट देने से पहले एक स्टैटिक एक्सरे लेते हैं एक तरह से. ठीक है, एब्डोमेन का एक्सरे ले लिया और उसके अंदर हम लोगों को नजर आ रहा है अभी कुछ भी चीज नहीं हमें नजर आ रही है, कोई उसका यूरेटर या कोई हमें हाईलाइट की हुई चीज नजर नहीं आ रही है. ये हम लोग क्यों लेते हैं प्रीलिमिनरी फिल्म्स, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? स्टोन पहले दिख जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का हमें नजर आएगा. ठीक, उसके अलावा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि बाद में हमें नजर आएगी, पहले हमें ऑब्स्ट्रक्शन डायलेटेड सी नजर आ सकती है वहां पे. ठीक है, फ्लूइड है वो, यूरिन को उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है तो हमें डायलेटेड यूरेटर्स नजर आ सकते हैं. ठीक है, तो प्रीलिमिनरी फिल्म इसके अंदर रिक्वायर्ड है. कुछ हमने किए थे ना जीआई ट्रैक के अंदर, जीआई ट्रैक के अंदर हम लोगों को नहीं रिक्वायर्ड होते हैं किसी किसके अंदर प्रीलिमिनरी फिल्म रिक्वायर्ड है किसी के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर हम लोगों को लेनी जरूरी होती है. अच्छा, करेंगे किस तरह, पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे? पेशेंट को सीधा लेटाएंगे, ठीक है, सुपाइन, फुल लेंथ एपी ऑफ द एब्डोमेन इन इंस्पिरेशन, द लोअर बॉर्डर ऑफ द कैसेट इज एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द एक्सरे बीम इज सेंटर्ड एट द मिडलाइन एट द लेवल ऑफ आईलिड क्रस्ट. ठीक है, पेशेंट को सीधा लेटाया टेबल के ऊपर, जो कैसेट है वो पेशेंट के नीचे होती है, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, जो लोअर बॉर्डर है वो जो यहाँ से खुद फील करना है जो हमारा पेल्विस है, ठीक है, पेल्विक बोन, ठीक है, पेल्विक बोन के ऊपर हम उसका लोअर बॉर्डर आए, ठीक, यहाँ पे, और उसका जो सिम्फिसिस प्यूबिस है सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे, उसके जो सेंटर रे जो बनती है, जो प्लस साइन जो बनता है, उसको बिल्कुल सेंटर में आप लोगों ने उसको पोजीशन करनी है उसके एक्सरे ट्यूब की. ठीक है, ताकि हमारा लोअर बॉर्डर से भी ना कट हो. लोअर बॉर्डर हमें पता है कि हम लोगों ने पेल्विक को भी इंक्लूड करना है, हमने यूरिनरी ब्लैडर देखना है उसके अंदर, और ऊपर बड़ी कैसेट यूज करेंगे इसके अंदर, और किडनी, किडनी के अंदर पूरा यूरिनरी ट्रैक और यूरेटर, और वो पूरा उसके अंदर ड्रेन होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एंड देन यूरेथ्रा, हमें पूरा ट्रैक नजर आना चाहिए. तो पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई एक भी पार्ट जो है वहां से कट ना हो रहा हो, कैसेट को अपने इस तरह डिजाइन उसको रखना है पेशेंट के नीचे. ठीक है, टेक्निक क्या है, कौन सी वेन के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट. मीडियन एंटी क्यूबिटल वेन इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंजेक्शन. यहाँ बाजू पे जो मीडियन एंटी क्यूबिटल वेन है, ये हमारे जो जगह पे होती है, ठीक, यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे पेशेंट को, और उसके बाद 9 गेज की नीडल यूज करेंगे. और क्यों ये वाली गेज, ये गेज जो बड़ा होता है या छोटा होता है इसका आगे से जो नीडल का 19 गेज बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको बोलस की फॉर्म में इसको इंजेक्शन, व्हाट इज बोलस, एक साथ एकदम से इंजेक्ट करना है. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक होता है ना, स्लोली स्लोली हमें उसको इंजेक्ट करना है, वैसे नहीं करना. हमने ज्यादा सारा कॉन्ट्रास्ट दिया, ठीक, उसके पूरी जो इंजेक्शन के अंदर पूरा इंजेक्शन भरा, और उसके बाद एक साथ ही एकदम से उसको इंजेक्ट कर देना, वो एक बोलस की फॉर्म में आगे जाएगा. ठीक है, इंजेक्शन इज गिवन रैपिडली एज अ बोलस टू मैक्सिमाइज द डेंसिटी ऑफ द नेफ्रोग्राम. ठीक, तो व्हाट इज बोलस, यू शुड नो बोलस इज रैपिड इंजेक्शन, जिसके अंदर हम एक जो इंजेक्शन जब देंगे तो रैपिड इंजेक्शन की वजह से हमारे पास वो पूरा जो कॉन्ट्रास्ट है वो एक बॉल की फॉर्म में, बोलस की फॉर्म में वो रैपिडली आगे की तरफ को मूव करेगा. ठीक है, फिल्म्स हम इसके अंदर किस तरह लेंगे. नंबर वन, इमीडिएट फिल्म. इधर हमने कॉन्ट्रास्ट दिया फॉरन से, हमने विद इन 10 to 15 seconds के अंदर अंदर पहली फिल्म ले ली, इमीडिएट फिल्म जो ले ली, फिर 5 मिनट फिल्म. ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन. हम लोग इसके अंदर जब पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं ना, तो वहां पे आपको एक्सरे ट्यूब वो जो बना होता है ना, वो एक स्टिक सी पड़ी होती है. हमने तो अपने उधर जब फातिमा मीनर में होते थे तो एक लकड़ी की स्टिक सी पड़ी होती थी, हम उसको क्योंकि उस लकड़ी का तो इमेज नहीं आएगा, तो कोशिश करते थे हम एब्डोमेन को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें. ठीक है, कुछ होती हैं बेल्ट्स मिलती हैं वहां पे साथ ही, देसी कामों के लिए तो वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपको बड़ी चीजें मिलेंगी, वो ऐसे ऐसे कंप्रेस कर रहे होंगे. और वो पता क्या चीज होती थी, वो जिससे हांडी नहीं बनाते होते थे, जिसको डोई कहते होते हैं लकड़ी की, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने वो रखी हुई थी. ठीक है, उससे कंप्रेस करते होते थे कि एब्डोमेन को थोड़ा सा लंबा होता था, पास खड़े होकर एप्रन पहना होता था, और उससे यूं यूं एब्डोमेन को प्रेस कर करके जो है ना इमेज लेते होते थे. ठीक है, तो अच्छे हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली वहां पे आपको बेड्स मिलेंगी और प्रॉपर वो था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो फिर ऐसी चीजें ही मिलेंगी आपको. ठीक है, तो वो कंप्रेशन डिवाइसेज होती हैं कुछ भी, तो हमारे पाकिस्तान में तो कुछ भी देसी चीज है, कुछ भी कर लो. ठीक है,
तो कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड, वो भी क्या करेगा, एक तो हमारा जिस तरह हम लोगों ने मैमोग्राफी के अंदर पढ़ा था ना कंप्रेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह इसमें भी जो है कंप्रेशन उसी तरह हम देंगे, लेकिन वो तो एक कंप्लीट डिवाइस होती है जो ओवरऑल कंप्रेस कर देती है, ठीक। इसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि एब्डोमेन को एटलीस्ट कंप्रेस कर सके, हमें यूनिफॉर्म जो है स्ट्रक्चर्स मिले, हमें रेडिएशन कम से कम मिले, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर्स हमें ओवरलैप हो रहे होते हैं वो थोड़े से ठीक हो जाए, ठीक है, ओवरलैप जो हो रहे थे ड्यू टू कंप्रेशन वो थोड़े से पीछे हो जाएंगे। तीसरा ये कि गैस, ठीक है, इसमें भी हम गैस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, जो सेंटर में गैस आ रही थी अगर थोड़ी बहुत गैस होगी तो वो जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया जो हमने डायग्नोज करना है स्पेसिफिक एरिया जो है उससे जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड। फिर कंप्रेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके अंदर है, हमें पता है कि जो उसको कोई सर्जरी हुई, रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसके हम कंप्रेशन नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रीनल ट्रॉमा है, लार्ज एब्डोमिनल मास है, या 5 मिनट फिल्म शोज ऑलरेडी डिस्टेंडेड कैलसेस, ये जो चार पॉइंट्स है ना दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम इनके अंदर जो है कंप्रेशन नहीं देंगे सर्जरी और मास वगैरह अगर है। अच्छा, फिर उसके बाद 5 मिनट तक होगी, एक इमीडिएट फिल्म ले ली, एक 5 मिनट के बाद फिल्म ले ली, एक 15 मिनट के बाद फिर हमने कॉन्ट्रास्ट देने के 15 मिनट के बाद दोबारा से एक फिल्म ले ली, उसके अंदर एपी ऑफ द रीनल एरिया कंप्रेशन इज रिलीज, अब 15 मिनट तक, अब हमने इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कंप्रेशन रिलीज कर देना है, अब इसके अंदर 5 मिनट पे कंप्रेशन देना है, लेकिन 5 मिनट के बाद कंप्रेशन नहीं देना, 15 मिनट की जो इमेज होगी वो हम लोगों ने बगैर कंप्रेशन कर देनी है, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन इज रिलीज व्हेन सेटिस्फैक्ट्री डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द पेल्विको कैल्केनियल सिस्टम हैज बीन अचीव्ड, सबसे पहले वो हमारे किडनी में जाएगा सारा कॉन्ट्रास्ट, किडनी के कैलसिस सिस्टम जो है, ठीक है, वो उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक, जब उसने हाईलाइट कर दिया अब यूरेटर में आगे जा रहा है, देन हम उनको कंप्रेशन देने की उसमें जरूरत नहीं है, अब यूरेटर से वो आराम से ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। फिर रिलीज फिल्म क्या होगा, सुपाइन एपी एब्डोमेन टू शो होल यूरिनरी ट्रैक, अब 15 मिनट के बाद हमने एक इमेज लेना है, उसके अंदर क्या होगा पूरा का पूरा यूरिनरी ट्रैक, अब एंड तक हमें जो है वो कॉन्ट्रास्ट चला गया और उसके अंदर हमें हाईलाइट हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, कैसे यूरेटर कैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो जा रहा है। पोस्ट मेच्योरेशन फिल्म्स, अब पेशेंट के ब्लैडर में चला गया कॉन्ट्रास्ट, अब हमने क्या करना है वहां तक इमेजेस ले लिए, अब वहां पे कोई पैथोलॉजी होगी वो तो हम फिल्म के ऊपर रीड करेंगे, कहीं पे डायलेटेशन है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे स्टोन नजर आ रहा है, कुछ भी है, ठीक है। तो ब्लैडर तक चला गया कॉन्ट्रास्ट हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है पेशेंट को कहना है कि अब आपने यूरिन पास करके आना, ठीक। फिर हम जो उसकी फिल्म है वो पोस्ट मेच्योरेशन फिल्म उसको कहते हैं कि आपने मेच्योरेशन के बाद कुछ फिल्म्स लेनी है, अगर उसके अंदर कोई रेजिड्यू होगा अगर पेशेंट का, तो वो हम लोग उसके वॉल्यूम ले लेते होते हैं, वो तो हम जब रिपोर्टिंग में जाएंगे रिपोर्टिंग वाले जो है ना वो फिर किस तरह हम उसको रिपोर्ट करते होते हैं वो सारी चीजें, लेकिन आपका क्या काम है, आप लोगों ने उसकी फिल्म जो है क्यों रिक्वायर्ड होती है, आपने रेजिड्यू देखना होता है कि पेशेंट के अंदर रह भी गया है यूरिन, समटाइम्स पेशेंट वही फील करता है कि मैं यूरिन सारा पास कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि यूरिन अभी भी है लेकिन पास नहीं कर पा रहा, ठीक है, मे बी कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो यूरेथ्रा में या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वो फिर हम उसको रूल आउट करते हैं इस चीज के अंदर। तो पोस्ट मेच्योरेशन फिल्म लेनी भी जरूरी होती है, उसके अंदर हम एम्प्टी ब्लैडर को देखते हैं, इसके अंदर अगर यूरिन होगा तो वो हमें नजर आएगा। एडिशनल फिल्म इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई पैथोलॉजी हमें मिल गई है उसके अंदर, तो फिर हम लोग ये तो हमने कुछ एपी या सुपाइन फिल्म्स कुछ ली थी, उसके अंदर क्या होगा एडिशनल फिल्म के अंदर कि हम लोगों को कुछ ऑब्लीक इमेजेस रिक्वायर्ड होंगे अगर कोई पैथोलॉजी मिल गई है, ठीक है, कोई ओवरलैप कर रही है, ठीक है, सामने मसल्स आ गए हैं या कुछ ऐसे, तो फिर हम लोग उसके 35 डिग्री कुछ ओब्लीक इमेजेस या एडिशनल इमेजेस हैं इन केस कि हमें कोई ऐसी पैथोलॉजी मिल गई, ठीक है। अच्छा, फिर प्रॉन एब्डोमेन, ये भी सारे एडिशनल फिल्म है, प्रॉन में क्या होगा पेशेंट को उल्टा लटा के फिर हम लोग जो उसकी इमेजेस लेते हैं उसके पूरे एब्डोमेन को, एंड देन डिलेड इमेजेस जो है वो कोई आधे घंटे पौने घंटे 45 मिनट तक हम एक दो डिलेड इमेजेस भी लेते हैं, पूरा घंटा लगता है पेशेंट के इस प्रोसीजर के अंदर, पेशेंट को एक इमेजेस लेते हैं फिर हम बिठा देते हैं वेटिंग रूम में, फिर उसको बुलाते हैं कि आपने 5 मिनट के बाद आना है, आपने 15 मिनट के बाद आना है, आपने पेशेंट को याद भी कराना होता है, पेशेंट भूल जाते हैं हॉस्पिटल की सैर करने निकल जाते हैं उसका टाइम निकल जाता है, ठीक है, तो उसको बताना होता है कि आपने जो है इस इतने टाइम के बाद आके अपनी इमेजेस अगली लेनी, ये ना हो कि कॉन्ट्रास्ट कहाँ का कहाँ पहुंच जाए और सारा प्रोसीजर जो है वो खराब हो जाए, ठीक है, हमने तो उस टाइम तक वहां तक कॉन्ट्रास्ट पहुंच गया फिर इमेजेस लेने हैं फिर आगे पहुंच गया, तो वो स्पेसिफिक टाइम इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट का भी, पेशेंट ही गायब हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो एक्सरे इमेज है, ठीक है, इसके अंदर पहले हमने एक एक्सरे एब्डोमेन देखा था, उसके अंदर आपको कुछ नजर आ रहा था कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, अब इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको,
यूरेटर की पूरी वो नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा एक साइड नजर आ रही है, दूसरी नहीं नजर आ रही, एक साथ ही कॉन्ट्रास्ट गया होगा ना दोनों किडनी में, तो क्या रीजन हो सकती है? नहीं, उसके अंदर एक्सक्रीशन हो गई है, एक्सक्रीट कर लिया उसने यूरिन, ठीक है। हाँ दोनों एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अब यूरिन, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उसी तरह कॉन्ट्रास्ट कैलिसिस में पड़ा हुआ है, उसी तरह यूरेटर में क्या हो सकता है, इतना बड़ा ऊपर लिखा हुआ है, स्टोन हो सकता है जिसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉन्ट्रास्ट आगे मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक एक साइड जो है उसके अंदर से कॉन्ट्रास्ट सारा जो है वो एक्सक्रीट हो गया हुआ है और वो यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, हमें उस साइड की नजर ही नहीं आ रहा, बिकॉज उसने फॉरन से कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ। यूरिन का भी एक प्रॉपर यही फंक्शन है ना, यूरिन जो है वो ट्रेवल करता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके रुकता है, देन जो है वो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। अदरवाइज जो है वो कैलसिस से बना यूरिन, वहां पे फॉर्मेशन हुई उसकी, यूरेटर से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, ठीक है। ये कहीं पे रुकता नहीं है, अगर आपको देखो कैलसिस भी डायलेटेड नजर आ रहे हैं, ठीक है, फिर आगे यूरेटर के अंदर भी आपको यूरिन नजर आ रहा है, ठीक है, डैट मीन्स उसके कहीं पे स्टोन है जिसकी वजह से जो है आगे जो है वो जा ही नहीं रहा, एंड ड्यू टू स्टोन जो है इस तरह हमें नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, यूरोलिथियसिस, देयर इज स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। कहीं स्टोन नजर आ रहा है इसके अंदर? जी मैम, जी मैम नजर आ रहा है, ठीक है। ये इतना बड़ा व्हाइट कलर का स्टोन, ठीक। अब ये देखो इस स्टोन यहाँ पे था, उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट दिया, देख रहे हो डायलेटेशन कैलसिस में, ठीक है। इस तरह पहले डायलेट हो जाएगा, ये यहाँ पे भी ये स्टोन, यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे इसने डायलेटेशन कर दिया बैक पे, ठीक। आगे जो है कम जा रहा है कॉन्ट्रास्ट, ये किसके इमेजेस है? अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के इमेजेस है। स्टोन्स नजर आ रहे हैं क्या? स्टोन का शैडो है, शैडोज है, वेरी गुड, ठीक है। स्टोन का तीन क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? स्टोन कहीं स्टक नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये खासतौर पर हम गॉल ब्लैडर के अंदर देख सकते हैं कि इजीली वो मूव कर जाता है, पेशेंट की पोजिशनिंग करेंगे स्टोन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पॉलिप्स के साथ, पॉलिप वॉल के साथ ही अटैच होते हैं, जो स्टोन होंगे वो पेशेंट की पोजिशनिंग के साथ ही मूव कर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है तीसरा पॉइंट, मेजर पॉइंट, पोस्टीरियर शेडो, ठीक है। अगर शेडो नहीं है तो डैट मींस वो स्टोन नहीं है, वो कुछ और वहां पे की फैट हो सकती है, व्हाइट कलर की हाइपर एक्वोजेनिक। अगर कोई स्टोन व्हाइट कलर की एक्वोजेनिक हमें छोटा सा फोका है नजर आ रहा है अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर शेडोइंग, कन्फर्म स्टोन, ठीक है। अगर बहुत छोटा स्टोन है, शेडो नजर नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने एक पॉइंट भी था शायद याद हो किसी को, उसके लिए क्या करते हैं जो अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं उसे, उनको तो याद होगा, नहीं नहीं, अगर किडनी के अंदर कोई छोटा सा स्टोन है, इतना छोटा है कि उसके शेडो ही नहीं नजर आ रहा, लेकिन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको पेन है, ये वो स्टोन बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसके शेडो नहीं हम देख पा रहे हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का छोटा सा नजर आ रहा है, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि स्टोन है क्या है, मैंने एक पॉइंट बताया था। चलो आप लोग तो टाइम हो गया बड़ा, जो अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं मुझसे, अभी पढ़ रहे हैं अल्ट्रासाउंड वाले, वो मुझे जवाब दें। उसके ऊपर क्या करेंगे हम, डॉपलर लगाएंगे, ठीक है, डॉपलर डालते हैं, डॉपलर डालने की वजह से हमें वहां पे ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलेगा, डेट मीन्स वहां पे जिस तरह स्टार ब्लिंक करता है ना, तो वो रेड जो जिस तरह कलर होता है डॉपलर का छोटा सा स्टार, वहां पे हमें लाइट ऐसे ऐसे ब्लिंक होती है फील हो रही होगी, डेट मीन्स देयर इज अ स्टोन, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑन डॉपलर कन्फर्म स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, ठीक है। अच्छा दिस इज कैल्सिनोसिस, कैल्सिनोसिस नेम से बता रहा है, क्या हो सकता है? माइक्रो कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन हो सकती है ना, ठीक है। तो इसका कैलसिस देखो, इसके आपको व्हाइट नजर आ रहे हैं, ये पूरा ये देखो दिस इज कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये इस तरह नजर आएगी इसके ऊपर, अच्छा ये इतना बड़ा सा स्टोन नजर आ रहा है ब्लैडर के अंदर, अब सोचने वाली बात है इतना बड़ा स्टोन आया कहां से,
फिर अल्ट्रासाउंड वाले जवाब दो, इतना बड़ा स्टोन किडनी से तो ट्रेवल करके नहीं आ सकता, अगर आया भी हो तो उसने यूरेटर में फंस जाना, ठीक है, यूरेटर में फंस जाएगा, इतनी डायलिटेशन होगी किडनी। मैं जरा अल्ट्रासाउंड वालों से इसका जवाब ले लूं, बताओ। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था, दो किस्म के स्टोन्स होते हैं ब्लैडर के अंदर, नहीं याद? इसके अंदर हमने पढ़े थे एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, अगर अल्ट्रासाउंड वालों को याद हो तो। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, जो उसी जगह के स्टोन्स हुए, ठीक है, ड्यू टू यूटीआई इन्फेक्शन था, ठीक है, और इतना ज्यादा इतने टाइम से यूरिन जो है वहां पे स्टैटिक रहा है, उससे इन्फेक्शन हुई है और इन्फेक्शन की वजह से वो स्टोन बन सकता है वहां पे, दिस इज प्राइमरी स्टोन। और सेकेंडरी कौन से थे, सेकेंडरी नाम से प्राइमरी तो इनके हो गए ना, सेकेंडरी कहाँ के होंगे, ऑब्वियसली वो ट्रेवल करके आए होंगे, ठीक है, वो किडनी के हो सकते हैं, किडनी में बने स्टोन, और उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू ट्रेवल करके हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, तो वो दोज वर सेकेंडरी जो कि ट्रेवल करके आएंगे। और ये जो है ये इतना बड़ा स्टोन है, ये मुझे नहीं लगता कि वहां से ट्रेवल करके यहाँ तक आ सकेगा, अगर वो किडनी का स्टोन होगा तो वो या तो पेल्विक के अंदर ही पीयूजे जंक्शन जिसे कहते हैं, पेल्विक और यूरेटरी जंक्शन, वहां पे चांस होते हैं कि स्टोन वहां पे स्टक हो जाए, ठीक है, या दूसरा जंक्शन कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ब्लैडर और जो यूरेटर जहाँ से एंटर हो रहा है ब्लैडर के अंदर, वो जो जंक्शन होता है वहां पे भी चांसेस होते हैं स्टोन के स्टक होने के, तो ये दो जंक्शन है वहां पे पॉसिबिलिटी है। इतना बड़ा स्टोन तो कभी भी यहाँ तक ट्रैवल करके नहीं आ सकता, देख रहे हो इतना बड़ा स्टोन है, तो ये प्राइमरी स्टोन ही ब्लैडर का हो सकता है। व्हाट आर डाइवर्टिकुलम, अल्ट्रासाउंड मैम उभार सा शो होता है, आउट पाउचिंग, ठीक है, ये तो पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, पैथोलॉजी में आपने पैथोलॉजी में पढ़ा ही होगा ना, व्हाट आर डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम क्या होते हैं, कि आपके जो है अच्छा चलो वो डाइवर्टिकुलम क्या होते हैं, कोई भी बॉल जो है बाहर की तरफ को जो है आउट पाउच बना दे, ठीक है, वो उसी जगह का ही, ठीक, वो कोई बाहर से कोई चीज उसके साथ नहीं लगी, वो उसी बॉल की आउट पाउचिंग है बाहर की तरफ को, तो उसको डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है, तो डायवर्टिकुलोसिस भी हो सकता है, उसके अंदर क्या होगा मोर देन वन डायवर्टिकुलम आउट पाउचिंग, ठीक है, मैं भी जिस बस दिखा रही हूँ उसके अंदर, ये अगर आप देखो तो ये मिक्की माउस का जिस तरह का कान होता है ना, ये वैसे हमें एक नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर का क्या हो गया डायवर्टिकुलम है, ठीक है, ये वॉल थी, वॉल आके उसने बाहर की तरफ को एक पाउच बना दिया, फिर इधर से आगे तो समझ लो एक बाहर को एक थैली सी बाहर की तरफ को आ गई, लेकिन अटैच वो वॉल के साथ ही है, ठीक है, वो अलग से उसकी वॉल नहीं, वो बिल्कुल गोल उसके सारे अटैच नहीं, उसी की आउटलाइन यूं करके आएगा, अगर हम अल्ट्रासाउंड में उसकी इमेज देखेंगे ना तो उसकी आउटलाइन एक ही होगी जो बाहर की तरफ से आ रही होगी, ठीक है, तो वो जिस तरह मिक्की माउस के कान होते हैं ना उसी तरह के डायवर्टिकुलम हो सकते हैं, तो मोर देन वन भी हो सकता है और एक भी। अच्छा एमसीयू जो जिसे हम कहते हैं मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरोग्राफी, उसके अंदर क्या है, ये ज्यादातर मैंने शुरू में ही बताया था कि रिफ्लक्स देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, पेशेंट की इनफ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा, वो यूरिन को होल्ड ही नहीं कर पा रहा, बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है ये, ठीक है, एमसीयूजी जो जिसमें करवाते हैं पेशेंट के अंदर, उसमें क्या है इंडिकेशन क्या होगी, जाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स, रिफ्लक्स क्या होता है बैक फ्लो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया स्टडी ऑफ द यूरेथ्रा ड्यूरिंग मैच्यूरेशन, अब ये भी हम लोग मैच्यूरेटिंग है, नेम से ही बता रहा है कि हमने ड्यूरिंग मैच्यूरेशन जो है इसका स्कैन करना है, पेशेंट को जो है बच्चों में खासतौर पे जो होता है वो उसी टेबल के ऊपर एक नीचे पैड वगैरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो वो उनको हम कहाँ जाके जो है वो उन्हीं पैड्स के ऊपर उसको लिटाते हैं, तो उसी के ड्यूरिंग स्कैन जो है वो उसको कहते हैं बच्चे किसी तरह यूरिन पास करें ताकि हम उसकी इमेजेस ले सकें उस तरह, ड्यूरिंग मैच्यूरेशन मैच्यूरेटिंग सिस्टोग्राफी है ना, ठीक है, तो स्टडी ऑफ द यूरेथ्रा, उसके अंदर हम यूरेथ्रा को स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द ब्लैडर एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली यूटीआई के अंदर हमने यूटीआई कहीं पे भी कोई भी होगा, अडल्ट में हो या बच्चों में हो, तो हम ये वाली स्टडी तो कर ही नहीं सकते बिकॉज वी आर गिविंग कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो पहले उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ तो कॉन्ट्रास्ट से और भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम वही हाई और स्मॉलर या फिर लोअर स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट हमें पता है फ्लोरोस्कोपी है, वीडियो रिकॉर्डिंग इससे होती है, फॉलेस कैथेटर जो है वो इंसर्ट करते हैं जो पेशेंट के जो यूरिन बैग जिस तरह लगे होते हैं ना
उसी तरह के हम लोग इसमें फॉली कैथेटर्स इंसर्ट करके और जो है उसके अंदर से कॉन्ट्रास्ट पेशेंट के ब्लैडर के अंदर डालते हैं और फिर उसके बाद इमेजेस ले रहे होते हैं. छोटे बच्चों में जो है इस तरह हम लोग फाइन नीडल यूज करते हैं. प्रेपरेशन क्या है, पेशेंट मैच्योरेट्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन बिकॉज वी आर गिविंग कॉन्ट्रास्ट. ऑलरेडी उसका ब्लैडर फुल होगा तो हम कॉन्ट्रास्ट नहीं प्रॉपर दे सकेंगे. ठीक है, पहले उसको कहते हैं कि आप एक दफा यूरिन पास करके आए, फिर हम उसको कॉन्ट्रास्ट देते हैं, फिर हम उसको इमेजेस लेते हैं, फिर हम उसको ड्यूरिंग मैच्योरेशन, फिर हम उसको कहते हैं कि आपने यूरिन पास करना है, फिर हम उसको इमेजेस लेते हैं. ठीक है, बेसिकली हमने यूरिथ्रा को देखना है इसके अंदर. ठीक, प्रीलिमिनरी फिल्म्स, कौन व्यू ऑफ द ब्लैडर, कौन व्यू, हम लोग सारे के सारे एरिया को जो है वो कर देते होते हैं. क्या कहते हैं, कौन से वो हमारे पास मिलता है, एक डिवाइस होती है जो कि उसके ऊपर हम एक्सरे ट्यूब जहाँ से है ना, एक्सरे ट्यूब के ऊपर जो लगा देते हैं या फिर हम लोग पेशेंट के ऊपर इस तरह उसको कर देते हैं, वो लेड का बना होगा, बाकी जगह जो है वो ब्लैक हो जाएगी. हमें जो स्पेसिफिक एरिया है वो सिर्फ उतना सही कोन शेप नजर आएगा. तो ब्लैडर के ऊपर हम लोग उसको रख देंगे और वो जो इमेजेस है बाकी सारे हमें ब्लैक नजर आएंगे, वो उतना सा एरिया हमें नजर आएगा. दिस इज कोन शेप. ठीक, वो डिवाइस होती है वो इसी तरह. आप जाओगे ना आपको बड़ी चीजें देसी देसी मिलेंगी, कभी दुनिया मिलेंगी तो कुछ कुछ मिलेगा, तो कुछ मिलेगा. ठीक है, तो ये देसी गांव पाकिस्तान में बहुत यूज किए जाते हैं. इतने मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में क्या मतलब ये डिवाइस कितनी महंगी आ जाएंगी. जी बहुत महंगी होती है, इसलिए हम लोग जब देसी से पूरा हो सकता है तो फिर वही वाला काम है ना, जब एसी नहीं हो रहे तो पंखे के आगे लगा देते हैं बर्फ वाले. सही है ना, जिस तरह वो चलो नहीं, पाकिस्तान के पास जुगाड़ बड़े हैं. मैम जी, मैम जो पेशेंट आते हैं जिसको ना वो कैथेटर वगैरह इंसर्ट होते हैं यूनाइटेड ब्लैडर में, तो उधर एक बल्ब टाइप शो हो रहा होता है उनके. मैम जो ना कैथेटर नहीं इंसर्ट करते हैं पेशेंट में जो फोड़ा के, समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलो और आराम आराम से बोलो. मैम एक पेशेंट आता है मेन के अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने, तो उसमें ना वो फोड़े कैथेटर जो होता है ना जो अभी आप बता रही थी, तो उसके यूनाइटेड ब्लैडर में जी वो इंसर्ट होता है. तो अगर उधर यूनानी ब्लैडर में कोई अपना पैथोलॉजीज हो तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है उसको डिफरेंशिएट करने में. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, अगर पेशेंट आया है कि उसका फॉलिस कैथेटर इंसर्ट ही हुआ हुआ है, ठीक है जी मैम, ये क्वेश्चन है आपका, और उसका हम स्कैन कर रहे हैं जी मैम, और फिर अपने यूटीआई इंफेक्शन की वजह से उधर की डेब्रिस वगैरह पड़ी होती है या कोई और पैथोलॉजीज होती है ना इसमें अपने जॉइनी ब्लैडर में, तो किस तरह उसको एक डिफरेंशिएट करेंगे ये चीज. बाकी सारी समझ आ गई है, जो बीच में पूछा है कि क्या डिफरेंशिएट करना है वो नहीं समझ आ रही. क्लास में बच्चे भी हंस रहे हैं, थोड़ा सा आहिस्ता. डेब्रिस वगैरह पड़ी होती है मैम, यूनाइटेड ट्रैक इन अपना यूनाइटेड ट्रैक इंफेक्शन की वजह से कोई डेब्रिस वगैरह पड़ी होती है जी, या कोई और पैथोलॉजी होती है, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. अच्छा, एक तो फॉलिस कैथेटर तो हमें क्लियरली नजर आएगा इमेज के ऊपर. ठीक, मैं एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ कि अगर फॉलिस कैथेटर इंसर्टेड है और हम लोग उसका इमेज कर रहे हैं, ठीक, उस कैथेटर के थ्रू ही हम लोग जो है कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं, हमें पता ही है फॉलिस कैथेटर इसके अंदर इंजेक्टेड है. अगर आप कह रहे हो डेब्रीज होंगे तो हमें कैसे नजर आएंगी और हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. जी मैम, डेब्रीज क्या होती है, छोटे छोटे से हमें पार्टिकल्स नजर आते हैं ना, और डेब्रीज हम लोगों को एक्सरेज के ऊपर नजर नहीं आती, वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें नजर आते हैं. क्लियर फ्लूइड जो होते हैं एनएक्विक हमें अल्ट्रासाउंड पर नजर आता है, और उसके अंदर अगर स्मॉल पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं दैट मींस ड्यू टू इन्फेक्शन उसके अंदर हमें हमें तो एक्सरे के ऊपर फ्लूइड नजर ही नहीं आता. फ्लूइड नजर नहीं आ रहा तो हम लोग ये कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं ना, ताकि वो हमें बताएं. वैसे अगर हम लोग पेल्विक का एक्सरे करें तो हमें इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर इस तरह नजर आएगा, कभी भी नहीं नजर आएगा. ठीक है, उसके अंदर यूरिन होता है, हमें जहां पे फ्लूइड होगा एक्सरे के ऊपर नजर ही नहीं आएगा. इसी वजह से तो हम ये व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ताकि वो उस जगह को हमें बता सके कि इसके अंदर वो यूरिन है, सारा व्हाइट हो जाएगा, वो एक्सक्रीट करता हुआ हमें नजर आएगा, एक्सक्रीशन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है हमें फिर वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो एक्सरे के ऊपर हमें नजर आएगा. ठीक है, तो डेब्रिस जो है वो हमें एक्सरेज के ऊपर नजर नहीं आएंगी. पहली बात, अरे वो फ्लूइड के अंदर होती है, फ्लूइड हमें एक्सरे के ऊपर इस तरह नजर ही नहीं आएगा, इन्फेक्शन होगी. हाँ, हम लोग वॉल को जरूर देख सकते हैं, इररेगुलरिटी सी होगी, दैट मीन्स वहां पे इन्फेक्शन है. ठीक है, टेक्निक वो मैं भी बता चुकी हुई हूँ. पेशेंट लाइज सुपाइस ऑन द एक्सरे टेबल, कैथेटर इज इंट्रोड्यूस इन द यूरिनरी ब्लैडर, रेसिड्यूल यूरिन इज ड्रेन, कॉन्ट्रास्ट इज स्लोली ड्रिप्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, फिलिंग इज ऑब्जर्व बाय फ्लोरोस्कोपी. पहले फिलिंग देख ली, फिर उसके बाद एनी रिफ्लक्स इज रिकॉर्डेड ऑन स्पॉट फिल. पहले हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, फिलिंग देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर फिल भी हो रहा है ब्लैडर के नहीं. फिर उसके बाद पोस्ट फिर मैच्योरेशन में हम लोग इसको देख लेते हैं. मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा, कैथेटर इज नॉट रिमूव्ड अंटिल द रेडियोलॉजिस्ट इज कन्विंस्ड दैट द पेशेंट विल मैच्योरेट और अंटिल नो मोर कॉन्ट्रास्ट मीडियम विल ड्रिप इनटू द यूरिनरी ब्लैडर.
ठीक है, ये सिर्फ मैं रीड कर रही हूँ आपको, मैं बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने एक दफा फिलिंग देखनी है कॉन्ट्रास्ट को डालते हुए, और एक दफा हम लोगों ने मैच्योरेशन के दौरान, ठीक है, मैच्योरेशन के दौरान जो है वो हमने उसके इमेजेस लेने हैं. Older children and adults are given a urine receiver, but smaller children should be allowed to maturate onto the absorbent pads. जो कि मैंने भी बताया, छोटे बच्चे होते हैं तो वहीं पे वो urine pass कर देते हैं, which can, which they can lie. Children can lie on the table, but adults find it easier to maturate while standing erect. Spot films are taken during maturation. ठीक है, उसी तरह हम लोग उसकी recording करेंगे, fluoroscopic procedure है, ठीक, इसमें याद करने वाला बस read कर लेना, और avoid residual urine देखते हैं हम after the maturation, ठीक है, कि proper उसने avoid किया कि नहीं, ठीक. फिर आ गया to demonstrate vesico vaginal या फिर fistula, क्या होता है, it's a communication, ठीक है. अब हमें पता है कि pelvic organs कैसे, सबसे आगे क्या पड़ा होता है, सबसे anteriorly bladder, पीछे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, ठीक है, उसमें यूट्रस पड़ा होगा और मेल के अंदर प्रोस्टेट होगा, बिल्कुल एंड पे क्या होगा, रेक्टम होगा, ठीक है. ये एंटीरियर से पोस्टीरियर हम जा रहे हैं, अगर हम लोग लेटरली देखें तो, अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर देख रहे हैं तब तो हमें पता ही चलेगा ओवरलैप कर रहे हैं सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक, अगर हम लेटरली देखें तभी हमें पता चलेगा कि इसके बाद ये, अगर कोई फिस्टुला होगा तो वो हमें किस इमेज पर नजर आएगा, वो लेटरली हमें ज्यादा क्लियर नजर आएगा अगर कम्युनिकेशन है बीच में, ठीक है, ब्लैडर का वजाइना के अंदर साथ, ठीक है, और वजाइना का कहीं पीछे रेक्टम के साथ, ठीक है, उसके अंदर कम्युनिकेशन है, ट्यूब है, डैट मीन्स कोई भी कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर में डाल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट पीछे से फिस्टुला के थ्रू जो है वो यूट्रस में चला गया है, वजाइना में चला गया, ठीक है. फिर या फिर हम लोग उसके जब हिस्टेरोसल प्रिंजियोग्राफी कर रहे थे तो वो रेक्टम में चला गया, ठीक है. तो ये फिस्टुलास बने होते हैं, कम्युनिकेशन अगर इस तरह है तो वो हमारा इमेज किसके ऊपर, लेटरल इमेज. हर टाइम जब भी हमने लेटरल इमेज भी जरूर लेना होता है एक्सरे के अंदर, दो इमेज हमेशा लेने हैं, बिकॉज हमें एक्सरे के अंदर एक चीज ओवरलैप हो रही है जो कि चीज हमें लेटरली ज्यादा क्लियरली नजर आ सकती है, ठीक है. तो ये फिस्टुला के लिए हम लोगों को लेटरल इमेजेस देखने जरूरी होते हैं, इसके अंदर ये लेटरल ब्लैडर या कुछ उसकी फिल्म्स हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वी ऑल नो कॉन्ट्रास्ट मीडियम से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं अगर पेशेंट को सिस्टाइटिस है, इन्फेक्शन है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा उसको एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं. तो इनके अंदर जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, जिसको ऑलरेडी एलर्जी है, उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडियम नहीं देंगे, ठीक है. ड्यू टू यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक्यूट है तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं नहीं, ट्रॉमा हो सकता है. कॉम्प्लिकेशंस बता रही हूँ कि इसके बाद अगर हमने ये स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद या तो पेशेंट को क्या हो सकता है, उससे कॉन्ट्रास्ट से कोई एलर्जी हो सकती है, या फिर अब हमने कैथेटर इंसर्ट किया था उससे हम ट्रॉमा भी कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को कोई वॉल रप्चर हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से जो है उसके बाद यूटीआई हो सकता है क्योंकि हमने एक्सटर्नली एक चीज जो है वो इंसर्ट की है कोई भी, ठीक है, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो स्टेरिलाइज ना हो प्रॉपर, ठीक है. डिसयूरिया हो सकता है, फ्रिक्वेंसी हिमेटूरिया, यूरिनरी रिटेंशन, कैथेटर रिटेंशन, ये सारी टेक्निक के बाद की कॉम्प्लिकेशंस भी है, ठीक है. इसको रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम भी कहते हैं, जो प्रोसीजर है रिट्रो मतलब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हम लोग कॉन्ट्रास्ट इस तरह दे रहे हैं, जो यूरिन है वो किस तरह पास करता है उसके ऑपोजिट हम लोग उसको कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, ठीक है. रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, ये देख रहे हो, ये जा रहा है कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर, ठीक है. ये कुछ इमेजेस हैं, चार पांच में वो दिखा रही हूँ. दिस इज टेराटोमा एड्रीनल, दैट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. अगर देखो तो ये किडनी के ऊपर इतना बड़ा सा हमें ये मास नजर आ रहा है. डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, मैंने अल्ट्रासाउंड वालों को ही शायद पढ़ाए थे, रीजनल आप लोगों को भी शायद पढ़ाए हो, किडनी में जब पढ़े थे हम लोगों ने, कुछ किडनी की नॉर्मल वेरिएंट्स थे, दैट मींस कि वो लगते हम लोगों को एबनॉर्मल है, होते वो नॉर्मल, ठीक है. उसके अंदर एक था डबल कलेक्टिंग सिस्टम, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, दैट मीन्स के उसके दो यूरेटर, ये देख रहे एक ईयर एक ईयर, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, जो यूरिन है वो कलेक्ट, जो जिसने करना है यूरेटर ने, वो दो है. हॉर्सू किडनी, दोनों किडनी सेंटर में आके फ्यूज कर रही हैं लोअर एंड से, तो वो शेप कैसी बनाती हैं, हॉर्सू किडनी, ठीक है. वैसे एक इस तरफ पड़ी होती है, किस तरफ पड़ी होती है, बट हॉर्सू किडनी के अंदर दोनों एओटा के बिल्कुल आगे, ठीक है, पीछे एओटा है, एओटा के आगे दोनों किडनी फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है. दिस इज अ नॉर्मल वेरियंट बट नॉट लुक्स नॉर्मल. मेगा यूरेटर, नेम ही बता रहा, ठीक है, देयर इज अ डायलेटेशन. पेल्विक, पेल्विक किडनी, ये भी एक कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है. इसके अंदर क्या होता है,
जब फीटल एज होती है बच्चा जब उसके अंदर क्या होता है किडनी हमारी पेल्विक में बनती है और फिर आगे जो है वो ट्रैवल करके दोनों साइड्स पे फ्लैंक्स पे चली जाती है किडनी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक किडनी तो वापस अपनी जगह चली जाती है, एक वहाँ पेल्विक में रह जाती है। तो अगर हम स्कैन करें तो वो हम लोगों को वो भी नॉर्मल ही होती है, नॉर्मल फंक्शन ही उसका होगा। लेकिन क्या होगा कि हमें वो जो अगर हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो वो किडनी, वैसे तो हमें अल्ट्रासाउंड पे भी नजर आ जाती है, वो अल्ट्रासाउंड वालों को मैंने पढ़ाई थी, जबकि पेल्विक किडनी इट्स अ नॉर्मल वेरियंट, तो उसके अंदर क्या होगा पेल्विस के अंदर हमें किडनी मिलेगी। कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, उसके अंदर हमें ऐसे इमेजेस लास्ट में बस इमेजेस दिखा देती होती हैं कि अगर आपने ये स्कैन किया आपको इस तरह के इमेजेस नजर आ रहे हैं तो डेट मीन्स इसको ये पॉसिबिलिटी है कि ये पैथोलॉजी हो सकती है। ये सीटी का इमेज है रीनल सेल कार्सिनोमा के, ठीक है। ये एमआरआई है और डिटेल हम लोग बीपीएचएस प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रॉफी, इसके अंदर जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड जो है लार्ज हो जाता है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो उसका नॉर्मल नजर आता है उतना उसका वॉल्यूम नहीं दिखता, ठीक है। ये कुछ इमेजेस थे, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग हाईलाइट करेंगे पूरा यूरिनरी ट्रैक के अंदर, और कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस बस गौर से देख लिया करो कि इमेजेस के अंदर पैथोलॉजीज नजर कैसे आती हैं, स्टोन्स हैं तो वो किस तरह नजर आएंगे, और आप इसी क्लास से हो, क्या नाम है आपका? क्लास खत्म होगी, अच्छा आप ऑनलाइन ले रही थी, अच्छा ठीक है, क्लास खत्म हो गई है। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक? ठीक है, इसके अंदर बस बच्चों के अंदर, अच्छा आप चैपमैन ली है कि नहीं ली, किसी ने बुक ले ली है? वेरी गुड, सारे ले लो, छोटी सी बुक है, मैं अगली दफा लेके आऊंगी, बल्कि मेरे पास यहाँ पड़ी भी हुई है, किसी ने देखनी हुई तो आके मेरे रूम में देख ले, टेबल पे पड़ी है, छोटी बुक है, पॉकेट बुक है, सारी प्रोसीजर की बुक है, बहुत अच्छी डिटेल बुक है। इमेजेस आप लोग नेट से देख लिया करो, जितने भी निकाल के उसके अंदर भी हैं, लेकिन जो है उसके अंदर हेडिंग वाइज हर प्रोसीजर को डिफाइन किया हुआ है। एक तो प्रोसीजर हम लोग ये फ्लोरो के पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा एमआरआई के प्रोसीजर, मेमोग्राफी के, सिटी के, न्यूक्लियर मेडिसिन के, जब आप न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ोगे, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन, बोन स्कैन वगैरह सारा कुछ उसके अंदर है, तो प्लीज वो वाली बुक जरूर ले लो, एक वो वाली बुक और एक जो मैंने दूसरी बताई थी कुशोंग, ठीक है, बुक्स लेके चलो। अगर सॉफ्ट कॉपी में मिलती है तो सॉफ्ट कॉपी में आप लोग जो है डाउनलोड कर लो, डाउनलोडेड फॉर्म में कहीं से मिलती है तो अच्छा। मेरे पास वो जो कुशोंग है ना वो मेरे पास पड़ी हुई है सॉफ्ट कॉपी में, मैं उसको ईमेल करती हूँ सबको, ताकि सॉफ्ट कॉपी में भी सबके पास होनी चाहिए। लेकिन जो चीज एक बुक से पढ़ने वाली है वो बुक का अपना सॉफ्ट कॉपी में कहाँ नीचे जाके पेज ढूंढते रहोगे, ठीक है मैम जी। मैम मतलब मेमोग्राफी को हम लोग जैसे ये लेक्चर्स हैं सब में कंटेंट एडिक्शन इंडिकेशन सारी इस तरह है, कंट्रास्ट ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, तो मैम हम इसको मेमोराइज कैसे करेंगे इजी वे में? और ये इमेजेस भी है ना, इतने ज्यादा इमेजेस होते हैं तो वो इतना मतलब पता ही नहीं चलता कि इसको हम लोगों ने करना कैसे है। जो क्लियर इमेजेस है ना वो तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे किस चीज के इमेजेस है, किडनी नजर आ रहे हैं, किडनी स्टोन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर व्हाइट, वैसे नॉर्मली एक्सरे इमेज है ना, एक्सरे को तो आप रीड कर सकते हो किसका इमेज है, सीटी का है, एमआरआई का, एक्सरे का, एक्सरे के ऊपर नॉर्मली हमें ऐसी चीजें नजर नहीं आती। अगर व्हाइट लाइन हमें व्हाइट और स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं डेट मीन्स कि नॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड पे इस तरह हॉलो स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कॉन्ट्रास्ट जो दे के हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट कर लेते हैं, डेट मीन्स ये कोई प्रोसीजर है फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर जिसमें हमने कॉन्ट्रास्ट दिया, ठीक, तो अब स्पेसिफिक उस एरिया का है, किडनी में दिया है डेट मीन्स हम लोग को एक्सक्रीशन यूरोग्राफी देख रहे हैं हम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव है, फलोपियन ट्यूब्स देख रहे हैं, उसके अंदर यूरेटर देख रहे हैं, और सॉरी क्या कहते हैं इसको, क्या क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फीमेल के अंदर जो है यूरेथ्रा तो इसके अंदर है ना, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब, ठीक है, सर्वेक्स, और ये सारे जो है ना उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, मेरा भी दिमाग नहीं, ठीक है, वो अगर इस तरह हम लोग फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स के अंदर हम फलोपियन ट्यूब्स देख रहे हैं तो हम लोगों को क्या है कि वो हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी है, क्या मुश्किल है इमेजेस में। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एक पढ़ना है बिल्वी का, तो स्ट्रक्चर्स हमें पता है कि ये लिवर है, ये किडनी है, ये है, ये और इनको हाईलाइट किया और ये एक्सरे का इमेज है, तो दैट मीन्स फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है। बस आपने जो चीजें इनमें याद करनी है ना प्रोसीजर्स के अंदर, नंबर वन इज द इंडिकेशन,
यू शुड नो कि ये इंडिकेशन है हम ये तभी ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं, हम अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम एमआरआई क्यों नहीं कर रहे हैं, हम और कोई स्कैन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है, उसको मैच्योरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के लिए फिलोपियन ट्यूब्स, तो आपको इंडिकेशंस पता होनी चाहिए तो आप स्कैन बता सकते हो। दूसरा आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होनी चाहिए, अब ये स्कैन तो करने लगे हो आप, लेकिन जो है आपको इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता हो, किस किसी के अंदर हम प्रेगनेंसी को जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के तौर पर पूछते होते हैं क्वेश्चन, पहले हिस्ट्री लेनी होती है, प्रेगनेंसी ना हो क्योंकि रेडिएशन देनी है, ये ना हो कि हम पेशेंट को इतना ज्यादा हार्म करते हैं कि उसका फिटनेस को नुकसान हो सके, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रास्ट और उसका प्रोसीजर, जो हम पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, हर किसी का डिफरेंट है, कैसे आप कंफ्यूज कर देते हो हर दूसरे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडियम को एक एक लाइन है बस ये याद करो कि अब डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट है, वो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि लो ऑस्मोलर यूज कर रहे हैं या हाई ऑस्मोलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। कोई कोई आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो वो किसी और नाम से आए होंगे, किसी और हॉस्पिटल में आ जाओगे तो किसी और नाम से, वो डिफरेंट कंपनीज के अपने अपने नेम होते हैं। बट वी यू शुड नो के लो ऑस्मोलर भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हाई ऑस्मोलर भी यूज करते हैं, जो जो डेडिकेटेड हिस्टेरो के लिए यूज हो रहे हैं वो दिस है, और जो इसके लिए यूज हो रहे हैं वो दिस, ठीक है। चलो ऑनलाइन वालों मैं तुम लोग का खत्म कर रही हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट क्लास में आ जाना, आप डोजेस लगवाओ नहीं तो मैं यहाँ पे लेके बैठ जाऊंगी सबको डोज लगाने के लिए, ठीक है। कितने आए हैं? 66।